अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक आप सबको। कल थी 12 रबीउल अव्वल एंड कल मैंने व्लॉग नहीं किया, वी वर बिजी, वी हैड अ लिटिल दुआ एट आवर हाउस, लाइक उसामा खालस हाउस, पर वो लाइक हम लोग सब वहीं होते हैं। तो देर वॉज अ दुआ, देन देर वॉज लाइक अ डिनर टाइप ऑफ सीन्स, तो वो फिर मैंने कहा फैमिली इवेंट है और वो हम सारे ही उसमें बिजी थे, तो आई डिडंट व्लॉग दैट। बट आज टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, आई एम इन अ वेरी वेरी चमचम चमचम आउटफिट। ये मुझे भेजा है खिजर फारूक ने एंड ही सेंट टू आउटफिट्स, एक ये रेड एंड ब्लू है। द दुपट्टा इज नॉट रियली माय वाइब, आई डोंट लाइक कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टास, बट एक रेड एंड ब्लू है और एक है बिल्कुल ऑल बेज, वो बहुत क्यूट था। आई एक्चुअली वोर दैट येस्टरडे फॉर द ईद मिलादुन्नबी दावत थिंग। दिस इज द दुपट्टा ऑफ दैट एंड आई रियली लाइक दैट। आई फील लाइक ये बेज इसके साथ भी बहुत बेहतर चला जाता है। आई डोंट लाइक ब्लू लाइक ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग, आई डोंट लाइक। एनी वे गाइस, आज मैं अपनी अंडे वाली पोनी में हूँ, एज यू ऑल हैव गॉटन यूज टू सीइंग मी इन दिस अंडे वाली पोनी, आई होप सो, बिकॉज आई डेंट फील लाइक पुटिंग हीट ऑन माई हेयर और एनी थिंग, तो बस मैंने इनको ऐसे बना लिया पोनी में ऊपर। अभी कहीं भी नहीं जाना जो मैं इतनी दुल्हन बनी हुई इतने इयरिंग्स पहन के। आई जस्ट हैव टू टेक पिक्चर्स इन दिस आउटफिट। इसका बॉटम पार्ट इज़ वेरी वेरी क्यूट, ये जो नीचे का है, बट क्या कहते हैं, सांसी चढ़ गया हो, क्या कहते हैं, बट या द वाइट वन डेफिनेटली वॉज वे 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 नाइसर, लाइक आई पर्सनली लाइक दैट मोर। सो डेफिनेटली अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो जाके उस पर देखें, आई स्टाइल्ड इट एंड आई पुट अप अ वीडियो इन द बेज वाइटिश आउटफिट एंड देन दिस इज द सेकेंड वन। इट्स प्रीटी क्यूट, आई जस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद द दुपट्टा, सो आई विल वेयर अ प्लेन दुपट्टा विद इट। एनीवे, अभी हमने ऑनेस्टली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ग्रोसरीज खरीदने जाना। मैं इतनी ईद और शादी की तैयार हुई हूँ, बट हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ग्रोसरीज में जाना है। सो आई डोंट नो, आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग कि कपड़े बदल लूँ या रख लूँ, मतलब यही पहने रहूँ या बदलूँ, क्या करूँ, पर आई एम थिंकिंग बदल लूँ। लोग कहेंगे ये कितनी चमचम चमचम आ गई है, बट बदलने के लिए देन आई हैव टू चेंज माई लिप कलर एंड एवरी थिंग, लिटिल बिट कन्फ्यूज। आई थिंक बदल लेते हैं गाइस, मैं आप लोगों को इस फुल में दिखा देती हूँ एंड देन आई विल चेंज। दिस इज द फुल आउटफिट, एक्चुअली इट्स रियली प्रिटी, लाइक दिस पार्ट इज रियली रियली प्रिटी, इट हैज ऑल दीज डिफरेंट कलर्स। सो आई लव लाइक द शर्ट एंड द पजामा आई लव, लेकिन सिर्फ मुझे दुपट्टे से था, वो इस तरह का ब्लू कलर का दुपट्टा था, तो दुपट्टा मैं इसके साथ प्रॉब्ली कोई प्लेन ही लूंगी। बट दिस इज द आउटफिट, दिस इज द लुक, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक विद अ बिट ऑफ अ लाइनर एंड अ लिपस्टिक एंड एवरीथिंग। कल मैंने बहुत सिंपल रखा था, तो मैंने कहा आज उनको जरा जो पिक्चर्स भेजी हूँ वो थोड़ी सी मैं जरा टिस्टोस टाइप सी भेजूँ, बट नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग के लाइक कुछ फिटिंग का मामला है, कुछ अजीब सा ये उठ उठ सा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एनीवे, एक्चुअली ना ये फिटिंग इसलिए उठती है क्योंकि अंदर बुकरम लगा होता है। ये लोग जो सैम्पल स्टिचिंग वाले भेजते हैं ना, उनमें अंदर भी बुकरम होता है, बट देन इस तरह की सिलाई टेलर नहीं करता गाइस, इतनी अच्छे सिले हुए होते हैं। एनीवे, आई थिंक आई डेफिनेटली शुड चेंज, दिस इज अ लिटिल टू मच फॉर ग्रीन वैली, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू लाइक सिंपलर क्लोथ्स एंड देन या आई थिंक वी शुड चेंज। व्हाट अबाउट यू बुल्टू सर, हाउ आर यू बुल्टू, हाय बुल्टू, Will you should I change? Will do yes or no? Yes or no? Yes. Will do has no response at all, guys. I think I should change. Let me go and change quickly. Guys, I ended up changing my clothes. I didn't feel like that is the outfit I need to be. Green Valley pehen ke aane wala outfit nahi tha wo. Anyway, Green Valley is all chum chum because unhone jagah badal li hai. Pehle ye hamare ghar ke bahut pass tha. Ab ye kisi aur DHA mein aa gaya hai. So I'm gonna show you. सॉरी, मैं देख रही थी उसामा क्या कर रहा है। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, इट्स लाइक फुल्ली चम 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 चम, दिस इज द न्यू वन, अभी नया नया आया तो इसलिए इन्होंने जरा लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं एंड देयर इज लाइक अ होल कार दे आर गिविंग अवे। किसका शॉप फॉर 15,000 एंड एंट्री टू विन, ओके ऑलराइट। ये वाला ग्रीन वाली तो काफ़ी फैंसी बनाया है भाई, लाइक काफ़ी, इट्स वेरी नाइस प्रॉपर। ये वो इम्तियाज़ नहीं, इम्तियाज़ तो इतना फैंसी नहीं होता, बस काफ़ी फैंसी है, समझ जाएँ खुद ही। इट्स वेरी नाइस दिस न्यू वन, क्लीन एंड नाइस, वेरी नाइस। दे हैव लाइक ऑल दीज अचार्स, ये पहले वाले में भी होते थे बट मुझे अल्लू सूड़े का नज़र आ गया है। वी मस्ट ट्राई सम, क्या करना है, बॉक्स में डालना होते, हाँ ये नहीं, वो ऑयल उसमें ड्रिप होएगा, ये डीप वाला सही है। इतना लिया है कि टेस्ट करें पहले, ये टेस्टिंग वाला तो नहीं, ज़्यादा ही लग रहा है। नहीं नहीं, ये जार में जाके इतनी जगह बॉक्स डबल कर लूँ, मसला तो नहीं होता इनको बॉक्स डबलिंग से, होना तो नहीं चाहिए, अभी से अब नहीं करेगा। अभी बहुत ही अच्छा है, लाइक द दाल सेक्शन दे मेड इट लाइक दिस एंड आप खुद अपनी मर्जी से पैकेट्स बनवा लें, दिस इज आल्सो वेरी नाइस आइडिया, आई लाइक इट। ओके गाइस, नाउ आई एम लुकिंग फॉर देसी लहसुन बिकॉज
मैंने वो जो लहसुन का विनेगर पिकल बनाया था ना वो ख़त्म हो गया है और अब मुझे देसी का बनाना है। लास्ट टाइम आई कुडंट फाइंड द देसी वन तो मैंने नॉर्मल का बना लिया था, बट देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द देसी एंड द नॉर्मल, बट आई डोंट सी द देसी वन हियर। आई फील लाइक वो सब्जी मंडी टाइप जगह पे मिल भाई। ये जो ये है इसका देसी चाहिए, ये तो नॉर्मल है ना, इसका देसी पता है कहाँ होगा? मैं देखती हूँ। दे हैव एवोकाडोस गाइस, इतने गोल एवोकाडो क्यों नहीं? Have you ever seen such a round avocado? This is avocado. हाँ this is avocado, but why is it so round? Avocado की असली शेप ऑलमोस्ट ऐसी होती है, elongated. I found it guys, ये एक और सब्जी में मिक्स हुआ होता है, ये होता है देसी, ये देखिए ये ऐसे छोटा छोटा होता है इसका, बहुत small small, और ये होता है which is not the देसी one. ये देखें कितना giant size, मोटा मोटा, so that's the difference between them. ओ ये तो वापस रखना। ओके गाइस नाउ आई एम इन द टॉय सेक्शन। आई रियली वांटेड टू गेट आई नूर अ मेकअप किट। आजकल ना उसको मेकअप का बहुत शौक हुआ हुआ है, लेकिन जो मैंने दो शॉर्टलिस्ट की है ना वो सामान ही मान रहा। लाइक एक ये वाली है विच इज़ फाइन बिकॉज दिस सेज इट्स नॉट रियल यू कैन जस्ट, बट देन आई फील लाइक कि शी विल गेट इरिटेटेड बाय इट कि इसका कलर क्यों नहीं आ रहा, मतलब जब वो ये टच करेगी इट्स ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक। सो द अदर टू आई टुक आउट दीज, लेट मी शो यू। एक ये इसके अंदर इस तरह ये मेकअप है, और एक जो है वो ये वाला है। बट देन आई वाज सेइंग कि दिस कैन बी अ चोकिंग हैजर्ड क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे, हालांकि इस पर 5+ है ये। वाटर सॉल्यूबल, इजी टू क्लीन। आई रियली वांट टू गेट हर दिस, क्या करूँ? देयर इज मोर, मगर वो सारी 8+ की एज के हैं, कोई भी उसकी एज का नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर लाइक फॉर बड़े बच्चों के हैं। So now I don't know what to do. Oh my guys, we ended up buying the Barbie tea set. I have a feeling mere paas ye bachpan mein hota tha. Ye zara hame age appropriate laga to humne kaha hum tea party karte. Oh Mubashir bhai aa gaye. Mubashir bhai peeche se samaan utha lijiye please. Ab hum ghar samaan drop karke aayenge ke saath tea party karne jayenge. Idhar hi hai. Abu nahi hai abhi tak. Acha nahi hai. Acha Roshan niche ki mama. There. This is your one more. Let's put it here. Now drink it. My. Wow. Should we make it? Should we make some? Russia. Can I put some for you? No. No, you don't want to drink. Okay. Can I make some for me? No. No. Okay. Okay. We will not make. Okay. Thank you. Thank you. ओ अच्छा ये आइनोर के साथ हम खेल के वापस आ गए, इतना मज़ा आया, उसने इतना एंजॉय किया। अब सामा की वगैरह तबीयत ख़राब हो रही तो उसको ORS बना के देने लगी हूँ, और जब तक मैं ORS बनाती हूँ आप लोग यहाँ से आगे देखें मामा के ब्लॉग क्लिक क्लिप्स। मामा ने कुछ घर में कुछ रेनोवेशन टाइप्स कुछ किए हैं तो उन्होंने मुझे बना के भेजी थी क्लिप्स, तो आप लोग अब वो देख लें और मैं तब तक ज़रा ORS बना लेती हूँ। वालेकुम एवरीवन। अच्छा ये देखिए, ये जो मैं वो लहसुन आपके छील रही थी, आपने देखा था कि हम बैठ के लहसुन छील रहे हैं, तो अब इसको छीलने के बाद हमने ब्लेंच किया है, वो करने के बाद हमने इसको अब डाल दिया है सिरके में, और सिरके के अंदर, सिरका जब भी आप डालते हैं तो शीशे के बर्तन में, और मुंह देखें इसका खुला हुआ है। 3 दिन तक इसका मुंह मैंने ऐसे ही खोल के रखना है ताकि लहसुन की जो स्मेल है सब है वो निकल जाए, और उसके बाद ये तैयार है। आप इसको चाहे तो दाल चावल के साथ, चाहे किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं, और ये क्योंकि मेरी माहा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो लास्ट टाइम तो वो 1-2-3 लहसुन की बजाय 7-8 ही डाल के खा लेती थी, और फिर कहती थी अम्मा मेरी, मुझे जितनी भूख लगी हुई थी वो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो अब क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी शफाफ आ रही है माशाल्लाह से, तो मैंने कहा वो भी आके ट्राई कर ले, अगर उसको अच्छा लगता है तो मैंने ज़्यादा ही बना दिया है। अब ये आज इसको फर्स्ट डे है, 2 दिन के बाद मैं बस इसका ढकना बंद करके रख दूँगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है ना उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है कि वो अपने खाने के साथ 2-3 इसमें से निकालें इसके लहसुन के जो है, और निकाल के और आराम से इसको अपने खाने के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैंने ना इसके ऊपर ये एक टिश्यू पेपर का पीस थोड़ा सा रख दिया और यहाँ से ओपनिंग है ताकि इसके फ्यूम्स वगैरह बाहर निकलते रहें, एक्चुअली ऊपर से कोई डस्ट कोई मट्टी ना पड़े, तो ये छोटा सा मैंने ये काम भी कर दिया इसके ऊपर।
तो आप लोग बनाएं और ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। देखिए ये मेरा नया प्रोजेक्ट है। अब मैं ये सारे डिफरेंट कलर के और पेंट्स आ गए हैं शीशे के एजिंग को, क्योंकि कलर करना है तो इसके ऊपर कहीं वो ना आ जाए, शीशे पे कलर ना आ जाए, तो टेपिंग की है। और इसके अंदर भी मैंने स्टेन ग्लास करना है इसलिए इसको भी मैंने टेप लगा दी है, और इस साइड पे अभी टेप लगनी है। अब इसको मैंने दो कलर्स में करना है, मैजेंटा पिंक एंड ग्रीन। तो ये और फिर ये जाके वहाँ जो चेयर्स मैंने की थी उनके बैक पे लगेगा। सो आज के दिन का मेरा नया प्रोजेक्ट जो है वो ये वाला है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती रहूँ कि मैं आजकल किन कामों में लगी हुई हूँ और क्या कुछ कर रही हूँ। एवरीवन ये देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, और ये एक प्यारी सी जगह बन गई है सेल्फी के लिए भी, और दूसरा ये है कि अगर कोई स्मोकर है और वो बाहर बैठ के इंजॉय करना चाहता है, साथ साथ वो बाहर के फूल बूटे सब देखना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह बन गई है। और ये थोड़ा सा काम मैंने किया है तो मैंने कहा कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं इसको भी कंप्लीट कर दूं, तो ये भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये वो टेबल है जो यहाँ बाहर पड़ा होता था, उसमें मैंने शीशा लगवा के और उसको मैंने जो है वो एक इस तरह का वो बना दिया है हैंग करने के लिए। और अभी इसके जो ऊपर तीन आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं और तीन नीचे आ रहे हैं, इसमें स्टेन ग्लास होना है। तो यहाँ पर भावलपुर में ना स्टेन ग्लास का पेंट नहीं मिल रहा, तो अब मैं कराची से वो लेके आऊँगी और फिर मैं इनको पेंट करके और इनको मैं कोई और कलर्स इसमें ऐड करूँगी। अब मेरा इस साइड का कॉर्नर रह गया है, अभी इसको मैंने कुछ ठीक करना है। ये एक मेरा बहुत ही फेवरेट पौधा था जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक होता है, तो ये ड्राई हो गया था और रोज़ माली मुझे कहता था मैं इसको बाहर फेंक दूँ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको मैंने कुछ बनाना है। तो ये मैंने ड्राई करके रखा हुआ है और अगले दिन उसने दो तीन डंडियाँ तोड़ दी, तो फिर मैंने अगर आपको नज़र आए तो ये सेंटर में एक जगह पे निशान, और ये मैंने एल्फी से दोबारा जोड़ी हुई है सारी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सी एक और अरेंजमेंट बनानी है, कुछ बना के रखूँगी यहाँ पे भी। तो बस इस तरह के कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे मेरा वक्त भी गुजर जाता है और मैं इंजॉय भी करती रहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था सामने मैंने अब ये खाली गमले खाद वाद मिट्टी से बनवा के रख दी हैं, और इनमें अब गुलाब का मौसम आ रहा है तो गुलाब लग जाएगा या फिर उसके साथ पेटूनिया लग जाएगा। तो बस इस तरह से ये जो है ये वाली जगह पूरी फिर विंडो से नज़र आएगी। और एक और चीज़ आपको दिखाना भूल गई कि ये देखिए ये विंडो जो है ये चेंज हो गई है, अब आप पूरा अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में जो भी बैठा हो वो बाहर देख सकता है, और जो बाहर बैठा हो उसको अंदर नज़र नहीं आता बिकॉज अंदर अंधेरा होता है। तो दिस इज़ अगेन एक काम जो मैंने अभी किया है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो मैं अपने बच्चों के आने की खुशी में करती जा रही हूँ। ओके यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड मामा'स व्लॉग। मामा आजकल कुछ शदीद किस्म की ना रेनोवेशंस और पत्नी किन चीज़ों में लगी हुई हैं, और जो उनको कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ फर्नीचर नज़र आता है जो उनको लगता है कि अब अंदर इस तरह का उसका यूज़ नहीं है तो वो उसको रिवैम्प कर देती हैं और बाहर कहीं यूज़ करना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आऊँगी तो फिर मोस्ट लाइकली कज आई ऑल्सो पेंट, तो मैंने उनसे कहा कि मे बी ऑन द शीशा आई विल डू लाइक सम काइंड ऑफ अ फ्लोरल म्यूरल टाइप कुछ मैं उस पर करूँगी। सो लेट्स सी, ये वाली चीज़ें हम जाके अब कराची मामा के साथ और फिर आगे भावलपुर मामा के साथ करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आगे वाले ट्रिप्स बहुत फन होने वाले। अगर आप अभी मेरे सामने देख सकते होते, बल्कि मैं आपको शायद दिखा भी दूँ, तो एक पूरा वो जो हमारा झूला है भरा हुआ है कपड़ों से, बिकॉज मैंने सोचा जाने से पहले सारी लॉन्ड्री अपनी कर जाऊँ। इवन तो मैंने ये सब कुछ लेके भी नहीं जाना, बट स्टिल आई वाज लाइक करके नीट एंड क्लीन टाइडी सब चीज़ें करके जाती हूँ। सो या एनीवे यू गाइस, आज के लिए यही था। आई नो बहुत छोटा व्लॉग है बस आज के लिए, लेकिन यही थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी थी हमारी, तो मैंने सोचा यही आपसे शेयर कर लेती हूँ। जिन जिन लोगों ने मेरे कल पिछले व्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि हमारे हस्बैंड्स भी ऐसे हैं, आई नो गाइस आई थिंक सारे ही ऑलमोस्ट ऐसे हैं, एंड देन सम सेड कि आवर हस्बैंड्स आर नॉट लाइक दैट एंड देर वेरी रिस्पॉन्सिबल। यू गाइस आर लकी इफ योर हस्बैंड्स आर नॉट लाइक दैट, यू गाइस आर वेरी वेरी सॉरी गाइस। मैं ये पीछे से बराबर कर दूँ, यू गाइस आर लकी इफ देर नॉट लाइक दैट, बिकॉज माइन इज डेफिनेटली लाइक दैट। बट जैसे भी हैं गाइज, इट इज़ वट इट इज़, हम लोगों में भी आई एम श्योर हम लोग भी ऐसी चीज़ें काफ़ी करते हैं जो उनको अनॉय करती हूँ। एनीवे बस यही बातचीत थी। किसी और ने एक बंदे एक और में जो कमेंट आया, एक हाँ एक ही कमेंट था कि आप अपनी शक्ल बहुत दिखाती हैं ना इसलिए आपका व्लॉग नहीं चलता, तो अपने व्लॉग में मैं किसी और की शक्ल दिखाऊँ आई डोंट अंडरस्टैंड, बट कराची वाले व्लॉग्स में मैं कोशिश ही करूँगी कि मैं बैक से आप लोगों को बस कराची ही दिखाती रहूँ, हेलो हाई इंट्रो करके, और फिर मैं आप लोगों को बस बैक से बैक कैमरा से कराची
के व्यूज सारे दिखाती रहूंगी, हम जो जो भी करेंगे। आई डोंट इवन नो, आई डोंट हैव अ स्केड्यूल एज सच। मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मुझे प्लीज़ बता दें कराची की नई नई जगह जो मैंने प्रॉबेबली मिस आउट कर दी, जो मैंने नहीं अभी तक देखी, जो अभी खुली हैं। तो कोई ज़्यादा न्यू रिकमेंडेशन मुझे नहीं दी इंस्टाग्राम वालों ने। तो अब यूट्यूबर्स इट लाइक यूट्यूब फैमिली अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मुझे बताएं कि कराची में कौन कौन सी नई जगह खुली हैं शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए, generally to visit, please मुझे बताएं। And this is not just for Defence Clifton, कहीं भी खुली हैं सदर की साइड पे, टीपू सुल्तान या बहादराबाद, कहीं भी, तो मुझे ज़रूर बताएगा। आई हर्ड ऑफ बहुत ज़्यादा मुझे कॉमेंट्स आए थे एक जगह कॉल्ड स्टीमी बाइट्स के, कि स्टीमी बाइट्स इज़ लाइक योर काइंड ऑफ फूड, ट्राई दैट। वो शायद बहादराबाद में खुला है, सो आई माइट ट्राई स्टीमी बाइट्स। आई ऑल्सो काइंड ऑफ रियली वॉन्ट ट्राई ऑयस्टर बे, आई वॉन्ट टू ट्राई आउट। काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो जब मैं वहाँ रहती थी तो मैंने नहीं खाई, फिर उसके बाद जो हमारे जितने भी विजिट्स भी हुए तो हमने वो मिस आउट ही कर दी। सो या सो डेफिनेटली इन द कॉमेंट्स लेट मी नो कराची की कोई भी नई जगह अगर खुली हैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे यू गाइज, आई विल सी यू विद अनदर व्लॉग, कुछ फन व्लॉग के साथ। अभी तो मेरा डे हैज़ एंडेड बिकॉज सामा सडनली गॉट अ रियली बैड हेडेक एंड स्टफ, उसको भी ORS दिया है। तो आई एम जस्ट गोना गो सिट विद हिम, सी व्हाट्स अप, एंड ये अपनी पोनी खोलूँ, जरा ब्लड सर्कुलेशन हो मेरे दिमाग के अंदर। एंड या सो अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स टुडे, बट इट्स ओके। तो हम आपको मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह एक और फन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। आई विल सी यू अगेन, तब तक लैला हाफिज़।